नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं डील अलर्ट टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हमारे साथ हैं डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी। स्वागत है आपका नरेंद्र जी खर्चा पानी के इस हफ्ते के गुरुवार के एडिशन में। नमस्कार, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा नरेंद्र जी, पूछने के लिए उम्मीद है आप भी बेहतर होंगे और परिवार भी। इस वक्त थोड़ा सा समझदारी और कॉन्शियस रखने की जरूरत है और दर्शकों को आप भी बार बार कहते आए हैं, हम भी इसके बारे में उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी। नरेंद्र जी, आज हम तीन विषयों पर बात करेंगे और पहला विषय होगा इस सवाल का उत्तर कि टेस्ला इंडिया में कब आ रही है। नरेंद्र जी, इस पर तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क का ही जवाब आ गया है और जवाब भारत की सरकार अगर पढ़े तो उनके लिए वो क्या कहते हैं, आत्ममंथन वाली स्थितियां हो सकती है। चुनाव और चुनाव के दौर में आत्ममंथन शब्द बहुत सुनने में आता है। क्या है पूरी खबर? जब मैं कह रहा हूँ जवाब आ गया है तो क्या जवाब आ गया है, और जो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि आत्ममंथन की स्थिति, क्या वो मेरा कथन सही है? आप अपनी बातों से बताएंगे प्लीज। बिल्कुल, एलन मस्क ने ट्वीट में एक क्वेश्चन आया उनके लिए कि आप कब आ रहे हैं, परमिशन तो दे दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी चुनौतियां हैं तो मुश्किल है, लेकिन आना जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों को सॉल्व करके आना है। तो उन्होंने थोड़ा और एलैबोरेट किया कि जो हमने तो भाई पीएमओ को कहा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम एंट्री करना चाह रहे हैं टेस्ला की, तो भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, हमें कोई उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो चुनौतियां मेन प्रोमिनेंटली वो कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं जो रिक्वेस्ट ही मेरे ख्याल वो पीएमओ से कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई जाए जिससे कि वो प्राइसेस जो है कम हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के। वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो 100% है इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी जो है, यदि 40,000 से डॉलर से ज्यादा यदि कार हो, मतलब लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा की कार है, तो इंडिया में 100% का इम्पोर्ट ड्यूटी है, उनको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, मतलब डबल जो है प्राइस हो जाएगा। तो वो एक चैलेंजिंग है। और उसमें आगे वो कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए हम $40,000 मतलब 30 लाख से कम यदि प्राइस रखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है हमें 60% की जो है इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए कह रही है। उसमें ही उनका कहना है कि भाई इस रेट को कम करिए, नहीं तो हम कम्पीट कैसे कर पाएंगे, ये तो बहुत ही हाई प्राइस हो जाएगा, हमारे लिए सेल के लिए प्रॉब्लम आएगी। जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको कंसिडर कर रही है, लेकिन अभी भी एक चुनौती तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। और दूसरी चुनौती वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप चाइना से हमें एक्सपोर्ट ना करें, यदि कार यदि प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक ईवी जो है, आप जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। जो कि मुझे लगता है कि यदि मैं रैशनली बात करूं इकोनॉमिक्स लेवल पे, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड सही है कि आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो होता है जो चाइना ने अपनी इकोनॉमी में किया है, तो एक तरह से एलन मस्क को यही वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए जिससे कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो पाए और हमारी अपनी इंडस्ट्री का जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, खासकर ईवी के सेक्शन में, वो उसके लिंकेज नेटवर्क से, इसको बोलते हैं इस तरह से बोलते हैं एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि इंडियन प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर पाए। उसमें कितना मानना होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये दोनों रिक्वेस्ट जो है वहां से आ रही है और वो ये मतलब कितना जल्दी वो आते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब जो है कस्टम ड्यूटी के जो है उनके लिए कम करती है, और दूसरा ये है कि कब जो है वो ये मानते हैं कि हम प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में करेंगे और यहाँ से चाहे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आप एक्सपोर्ट यहाँ से करिए जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज करे, ना कि आप एक्सपोर्ट हमारे चाइना से करें। और तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें दर्पण कि अल्टीमेटली जो और कंपनीज भी हैं वो भी, खासकर जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जैसे टाटा ने एंट्री की है ईवी सेक्शन में, इवन मारुति भी बोल रही है, तो अल्टीमेटली वो ये कह रही है कि जो प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, तो इसलिए आसान नहीं होगा कि ये इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना। तो ये कह रही है कि हमारे लिए फिर क्या फायदा होगा यदि हम यहाँ पे इंडियन कंपनीज हैं, आप यदि उनको इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो फिर हमारे सेक्शन का क्या होगा। तो ये भी पॉइंट है, और इनफैक्ट अच्छी बात है कि ये डिटेल बात हो रही है कि इंपॉर्टेंट हमारी स्टोरी है ये, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कंपनी में ही बात कही जा रही है, द्वारा कही जा रही है, इवन फॉरेन की कंपनी जो मर्सिडीज बेंज है वो भी कह रही है कि, या मतलब बोली रही है कि हम लोग रेडी हैं यहाँ आने के लिए,
तो ऐसा नहीं है सिर्फ टेस्ला के लिए इंडियन कंपनी ही चुनौतियां पैदा कर रही है सरकार, इवन मार्केट में तो भाई मर्सिडीज बेंज भी जो है वो रेडी है आने के लिए, तो वो भी एक इशू है जो एक तरह से टेस्ला को या एलन मस्क को एड्रेस करना पड़ेगा। आपने जो बात कही उससे दो चीजें समझ में आती है कि कुछ बातों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी रैशनल है और उनके तर्क भी सही है, एक तो साफ साफ समझ में आती है। दूसरी बात यह है, मेरी एक टिप्पणी है कि भारत का युवा जो है जो चीजों को फॉलो करता है, टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, उसके अगर उसको अगर मर्सिडीज बेंज में से और टेस्ला में से सुनना चुनना हो तो वो जितना क्रेज उसको टेस्ला को लेके है उतना मर्सिडीज बेंज को लेके शायद ना हो। हाँ बेशक मर्सिडीज बेंज का अलग एक अपना एक एक अलग टारगेट जो है कस्टमर्स हैं बिल्कुल हाई क्लास और ये सब कुछ, टेस्ला की भी कार महंगी है लेकिन उसने टेस्ला ले हो या एलन मस्क ले हो, उन्होंने युवाओं में अपना बहुत क्रेज बनाया है। नरेंद्र जी बिल्कुल ग्लोबल ब्रांड है और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल यूथ में डिमांड है टेस्ला की, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि मर्सिडीज बेंज और टेस्ला जो है कितना कम्पीट कर पाती है। और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइसेस में तो डिफरेंस होगा यदि मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ, कि और हम भी जानते हैं कि ग्लोबल वैल्यू ग्लोबल ब्रांड वैल्यू जो है उसका प्राइस तो हायर रहता ही है, इसलिए उनका ज्यादा कॉस्ट अंडरकटिंग का या प्राइस अंडरकटिंग का रिक्वेस्ट ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी को कम करिए और ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए। तो और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा या हम दर्शकों से बात कर सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट पीएमओ से किया है, तो यदि पीएमओ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ है और रिक्वेस्ट हुई है तो मुझे लगता है कुछ तो पाइपलाइन में है और आने वाले दिनों में हो सकता है हम देखेंगे कि एंट्री टेस्ला की हुई है इंडिया में। जी मैं ना एक मतलब एक टेंटेटिव टाइम नहीं गैस करने के लिए आपसे कहूँ कि मतलब इस दिन तक टेस्ला या टेस्ला की कार भारतीय सड़कों में दौड़ने लगेगी या फिर इनके जो जो फ्रेंचाइजी है वो हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है 2022 में इसकी संभावना लग रही है या नहीं, एक वाइल्ड गैस अगर मुझे 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 तो लगी रही है। और मैं लिंकेज ऐसे भी कर सकता हूँ, कल हम बात कर रहे थे कि देखिए जब वीआई की मतलब वोडाफोन आइडिया की बात पे भी सीसीडी गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है टेक ओवर करने में, तो चाहे वो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी वोडाफोन है वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके लिए इनकरेजमेंट हो रहा है, तो नेचुरली जब टेस्ला यहाँ आ रही है तो मुझे लगता है कि फेवरेबल खासकर ये गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में टेस्ला की कारें इंडियन जो रोडों पे होगी, ये मेरी भी एक संभावना मुझे ऐसी लगती है। नरेंद्र जी टेस्ला तो बहरहाल जब भी आएगी तब आएगी, लेकिन एक चीज खूब तेजी से इंपोर्ट हो रही है यूएस से, पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट हो रही है और काफी हद तक यूएस का योगदान है और काफी इंडिविजुअल रीजंस भी हैं, और वो है हमारी दूसरी खबर का हेडिंग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि लिक्विडिटी के बारे में और वहाँ कैसे वहाँ का बाजार हमारे यहाँ पे कैसे इफेक्ट डालता है, भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी, एशियन मार्केट पर खासतौर पर, और साथ ही साथ हमारा तो एक एक हमने शो ही किया था खर्चा पानी में कि जब अमेरिका छींकता है तो भारत को या विश्व को जुकाम हो जाता है। तो हम जानते हैं कि वही रिट्रेट करूंगा कि टेस्ला जब भी होगी इंपोर्ट, लेकिन अभी महंगाई तो हो ही रही है। तो यहाँ पे अब मैं डेटा पॉइंट्स पे अगर बात करूं तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 7% हो गया है। ये समझ में तब आएगा जब हम इसको प्रोस्पेक्टिव में रखेंगे, ये 1982 के बाद यानी कि लगभग 40 वर्षों में सबसे हाईएस्ट है। ये रही यूएस की बात एक लाइन में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट जिससे जो हाईएस्ट जो पीक है जिस जितना उन्होंने रेंज रखी है आरबीआई ने कि इससे कम रहता है तो उतना चिंता की बात नहीं है, आरबीआई कहती है वो है 6% का, और दिसंबर में 5 महीने का हाई आ गया रिटेल इन्फ्लेशन 5.59 5.5% से ज्यादा का। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने डिस्कस किया था और मुझे याद आ रहा है और आपने इसमें कहा था कि जब भी जो जो WPI है उसका धीरे धीरे इफेक्ट CPI में पड़ेगा ही पड़ेगा, वो इनएविटेबल है।
कम पड़े, ज्यादा पड़े, कितनी देर में पड़े, दैट कुड बी अ क्वेश्चन, बट पड़ेगा इसका आंसर हमेशा हाँ होगा, यहाँ तक मुझे याद आता है। तो ये दोनों खबरों को कैसे जोड़ के आप देखते हैं और क्या स्थितियां हैं महंगाई की, क्या स्थिति है और भविष्य कैसा है महंगाई को लेकर? नरेंद्र जी बहुत अच्छे से आपने जोड़ा और अच्छी बात है कि हम ठीक प्रूफ होते रहते हैं, दोनों बातें ही हैं। तो बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन में और चीजें कितनी मूव कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो है ही, हम देख ही रहे हैं कि गूगल आपको या पेप्सी और कोक जो है ग्लोबली दिखता है, वो हम पाकिस्तान में भी दिखेगा, इंडिया में भी देखा है। तो कन्फ्लिक्ट कितने भी हो जाए चाइना इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन पेप्सी और कोक जो है हर जगह दिखती है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही जी, इसी बारे में मुझे अपने एक जो वित्त विशेषज्ञ आए थे, बिल्कुल सेम आपकी बात कही उन्होंने कि टिकटॉक पे बैन लग जाएगा लेकिन जो सैनिटाइजर का जो ऊपर का वो होता है वो आज भी वहीं से इंपोर्ट किया जाएगा चाइना से। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक जो एक भाईचारा है यदि वो कायम रहे तो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं वो भी धीरे धीरे पैसिफाई होते हैं, तो ये अच्छी बात है ग्लोबल एक तरह से बैलेंस और पीस के लिए। तो बहरहाल मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही बोला कि ग्लोबली हमें इन्फ्लेशन भी ऐसे दिख रहा है कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन रेट है इस टाइम अमेरिका में है बिल्कुल 7%, और वही एक तरह से कन्वर्जेंस या इस तरह का एक मिरर इमेज जो है वो इंडिया में भी दिख रही है। कि बिल्कुल आपने अच्छा रेफरेंस दिया कि हम बताते रहे हैं कि यदि 14% से ज्यादा यदि WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक है, तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है या रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है WPI में बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कंज्यूमर के गुड्स जो है उसमें भी इंक्रीज होगा, उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होगा। और वही हुआ कि लास्ट मंथ में नवंबर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4.91% था जो हम बात करते रहे हैं, और अब वो हो गया है बिल्कुल आपने ठीक बोला कि 5.5 से ज्यादा 5.59%, क्योंकि अभी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और इंक्रीज करेगा, क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक है ओमिक्रॉन के कारण जो है चीजें और जो है डिस्टर्ब हो रही है सप्लाई खासकर, तो वो प्राइस बिल्कुल यहाँ भी हायर होने वाला है। और उसके साथ हम एक लिंकेज वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल दिया है, उसके साथ एक डेटा और दिया है दर्पण, वो है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मतलब जो औद्योगिक उत्पादन है वो कितना बढ़ रहा है, तो उसमें भी जो एक वृद्धि दर है वो कम हुई है, जो पिछले महीने जो था वो 3.1% था और इस महीने वो 1.4% है। तो कम हो रही है जो औद्योगिक दर जो है, समृद्धि दर जो है, और उसमें का कारण है एक तरह से कहें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है या जो उसकी ग्रोथ है वो कम हो रही है, वो कुल रह गया 0.9%, मतलब वो एक चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी खबर को यदि नटसेल में हम समझें तो एक तो ये है कि इस इन्फ्लेशन को चेक करने की जरूरत है, नहीं तो आम आदमी के लिए खासकर फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है इसमें, और दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रोडक्शन है जो कम हुआ है उसको भी कंटेन करने की जरूरत है, और उसी को मैं लिंकेज कर रहा हूँ कि जो बजट अब आने वाला है उससे एक हम उम्मीद लगा सकते हैं या एक सजेशन दे सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन दोनों चीजों का एड्रेस करें तो बेहतर होगा, इस तरह के इंसेंटिव हो जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है डेवलप हो, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और साथ में इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए कुछ इस तरह के मेजर्स हों, खासकर RBI के साथ वो कोऑर्डिनेट करें और उसको कंटेन करें, नहीं तो आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होने वाली है इन्फ्लेशन की। नरेंद्र जी, तीसरी खबर पर जाए उससे पहले थोड़ा सा और इस खबर पर मैं फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि आप, मैं और हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं और फिर भी बता देते हैं कि खर्चा पानी का मेन उद्देश्य आम दर्शकों की जेब के बारे में बात करना होता है, नाम भी उसी तरीके से, और हम बार बार कुछ मुश्किल चीजें भी होती हैं तो उनको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि किसी दिन अगर क्रिप्टो करेंसी और इन्फ्लेशन में से कोई चीज चुननी हो तो समय अभाव में तो हम इन्फ्लेशन चुनेंगे, और इसी वजह से जो दूसरी चीज है कि हम इन्फ्लेशन, चाहे वो महीने में डेटा आते रहता है या फिर आपका US और सबका मिला ले तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन को लेकर, कभी WPI आता है, कभी CPI आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी बॉन्ड यील्ड आता है, वो हम लेते ही हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसका आम आदमी के साथ जो प्रभाव है इन्फ्लेशन का,
वो बताने की भी अब जरूरत नहीं है। वो अगर कोई अगर दर्शक पहले पहला एपिसोड भी देख रहे हैं खर्चा पानी का, वो भी जानते हैं कि कैसे उनकी जेब को वो प्रभावित करेगा। नरेंद्र जी बिल्कुल सीधी सीधी यदि दो टूक बात कर रहे हैं दर्शकों से हम लोग, तो दरअसल देखिए दो बिल्कुल इन्फ्लेशन से दो चीजें बिल्कुल प्रॉब्लम होती है जो लोगों की आम जिंदगी के लिए समस्या पैदा करती है। एक, कीमतें बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ती है तो जीना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वस्तुएं और सेवाएं जो है महंगी होती है, खरीदना उनके लिए उतना ही मुश्किल है, खासकर जो जरूरतमंद की वस्तुएं जो हैं। और दूसरा, जैसी कीमत बढ़ती है तो जो आय है उसकी जो वास्तविक मूल्य है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है 1,000 रुपये कमा रहे हैं लेकिन कीमत बढ़ गई 5% या 10%, तो वैल्यू जो है 90 रुपये रह गई या 900 रुपये रह गई है। तो ये जो दोनों इम्पैक्ट है, एक तो ये कि एक आपकी कीमतें ज्यादा होती है, महंगाई बढ़ती है, और दूसरा आपकी आय का जो वास्तविक मूल्य है वो कम हो जाता है, आपके लिए आय जो है वो कम पड़ती है आपको जिंदगी चलाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आनंद जी। और यही चीज खर्चा पानी को थोड़ा स्टैंड अलोन बनाती है। मैं तीसरी और अंतिम खबर की ओर को जाता हूँ, उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड डील की बात की थी, उससे पहले भी हम भारत की अन्य देशों और ट्रेड ब्लॉक्स के साथ हो रही डील्स को कवर करते आए हैं। RCEP से भारत के आउट हो जाने और किसी भी बड़े ट्रेड ग्रुप में शामिल ना होने के निहितार्थ भी हमने खर्चा पानी में समझने के प्रयास किया था। आपने जो आते हैं जो आर्थिक जानकार उनसे समझने का प्रयास किया था। इसी क्रम में कई महीने पहले हमने भारत ब्रिटेन ट्रेड डील्स को चल रही को लेकर चल रही सुगबुकाहटों को ट्रैक करने की कोशिश भी की थी नरेंद्र जी, और डिस्कस किया था कि क्यों ब्रेग्जिट के बाद ये डील जिसके होने की संभावनाएं थी उस वक्त ब्रिटेन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये मेरी तरफ से कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। आपके पास एक खबर है, वो खबर क्या है और उसके निहितार्थ क्या है वो दर्शकों को आप बताएं नरेंद्र जी। ये इनफेक्ट ये खबर जो है ये हमारी पहली वाली खबर से लिंक हो रही है कि जी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो नेचुरली जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो देश भी ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, और वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, या तो कंपनी आ रही हैं जैसे हम बात कर रहे थे मर्सिडीज बेंज या टेस्ला, वैसे ही आप देखिए कि इंडिया और यूके के बीच में एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हो रही है जो आज शुरू हुई है थर्सडे को। आज आज उस पर बात हो रही है, और उसमें दोनों दोनों जो कंट्रीज के ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, हाँ, जो व्यापार मंत्री हैं, जैसे यहाँ पीयूष गोयल हैं, और ब्रिटेन के जो मिनिस्टर हैं वो एनी मैरी ट्रेवलिन हैं। तो वो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि हम फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कैसे करें जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट या ट्रेड या इम्पोर्ट बढ़े, मतलब एज ए होल व्यापार जो है वो बढ़े दोनों देशों के बीच में। उसमें ही एनी मैरी ट्रेवलिन यही बोल रही है कि हम इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और उसका कारण, और पीयूष गोयल भी उसको चीज को मान ही रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अच्छे से पॉजिटिवली ले रही है कि व्यापार बढ़ेगा तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी, उससे जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। तो उसी में उन्होंने ये कहा है कि हम इसको डबल करना चाहते हैं जो व्यापार है। तो इस टाइम यदि दर्शकों को आसान शब्द में कहें तो कुल व्यापार जो है इंग्लैंड के बीच में, या क्या कहें यूनाइटेड किंगडम के बीच में और भारत के बीच में जो है वो 23 बिलियन पाउंड है, मतलब ये 2019 का डेटा है, 23 बिलियन पाउंड है। और ट्रेड मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि 2035 से पहले पहले हम इसको 28 बिलियन पाउंड करना चाहते हैं, मतलब 23 से 28, मतलब हम 5 बिलियन डॉलर 5 बिलियन पाउंड और इंक्रीज करना चाहते हैं। और उसका जाहिर सा मतलब है, एक तो यह कि जो पोस्ट ब्रेग्जिट की जो बात हो रही है कि मतलब ब्रेग्जिट तो अल्टीमेटली वो एक तरह से वहां पे काम कर रहे थे, यूरोप में काम कर रहे थे या फ्री ट्रेड कर रहे थे, उससे वो अपनी ग्रोथ को, जीडीपी को, एम्प्लॉयमेंट को, उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। और ऑलरेडी वैसे तो अच्छी बात यह है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसमें सरप्लस जो है, मतलब फायदा जो है इस टाइम जो है इंडिया को है, तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है जो रेफरेंस भी आ रहा है कि चलो एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कर रहे हैं, स्पाइसेस कर रहे हैं, मैकेनिकल गुड्स कर रहे हैं, इवन फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या एक तरह से आम लोगों की जिंदगी, खासकर जो यूथ जिसके बारे में हम ज्यादा कंसर्न रहते हैं खर्चा पानी में, उसको उनको फायदा हो सकता है, खासकर जो पढ़े लिखे हैं। उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं या यहाँ से जो IT प्रोफेशनल्स जाते हैं दर्पण, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूके अब रिलैक्स करना चाहती है, जो फीस है उसको हम कम करेंगे। तो
तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होगी, इसको देखना होगा कि आज क्या बात हुई है। और यदि इस तरह ऐसे होगा तो हमारे लिए, यदि एक तो फीस यदि कम हो जाए, जो इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वो जो इंजीनियर्स जा रहे हैं जो उनके लिए एक तरह से इमिग्रेशन फीस देनी पड़ती है, वो यदि कम हो जाए तो मुझे लगता है कि और विन विन सिचुएशन जो है यूके के लिए तो होगी होगी, लेकिन इंडिया के और आम आम आदमी के लिए, आम आदमी मेरे कहने का मतलब जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनके लिए काफी फायदा होगा, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं। जी, आज का जो पूरा खर्चा पानी था उसकी एक बहुत बढ़िया थीम निकल के आई है। उस थीम को समझने के लिए हमें आज से 100 साल पहले जाना होगा और हेल्थ केयर सेक्टर में जाना होगा। महामारी 100 साल पहले की जो स्थिति थी, आज के जो विशेषज्ञ हैं हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े, वो कहते हैं अभी वो तेजी से क्यों बढ़ पाई, ग्लोबलाइजेशन के चलते। और ये हेल्थ केयर की बात हो गई। इकोनॉमी की बात करें तो 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, और वो जबकि करीब करीब 100 साल पहले, जबकि उतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो यूरोप से होते हुए, जर्मनी से होते हुए काफी हद तक पूरी दुनिया में फैल गई, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो या उसके रूप में हो। तो आज की जो अंत में जो मैं थीम सेट करना चाह रहा था, जो कि साफ साफ दिख भी रही है, आपने तीनों को एसोसिएट भी करके देखा, चाहे वो टेस्ला का भारत आना हो या ना आना हो, या पेचोखम हो उसमें जुड़े हुए मर्सिडीज बेंज का हो, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का भारत आना हो, या अलग अलग देशों में बटना हो, या फिर जो ट्रेड की बात हो, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अब कहने को देश ओलंपिक्स के मामले में अलग रह गए हों, अलग अलग देश के झंडे अलग अलग रिप्रेजेंट करते हों, लेकिन इकोनॉमिक्स के मामले में कहा जा सकता है कि एक एक ग्लोबल इकोनॉमी ही राज करने वाली है आने वाले समय में। नरेंद्र जी, बिल्कुल, और आपने आप बहुत अच्छे से जोड़ा है, और मैं भी थोड़ा आसानी हो जाती है मुझे जब इकोनॉमिक्स के टॉपिक आप दे देते हैं और लिंक कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब 1929 में जो डिप्रेशन आया था इंग्लैंड में और अमेरिका में, और वहां पे जो प्राइस राइज हुआ था और बेरोजगारी बढ़ी थी, बिल्कुल वही बातें हम कर रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि 1912 में जो स्वाइन एक तरह से स्पेनिश फ्लू जो आया था, तो ग्लोबली इतना इंट्रैक्शन नहीं था, उसके बावजूद फैल गया था। तो बिल्कुल अब जो है ग्लोबल इंट्रैक्शन इकोनॉमीज के बीच में, इंडिया यूएस इंग्लैंड के बीच में इतना हो गया है, तो ये सच्चाई है आज की कि ग्लोबली हम कनेक्टेड हो रहे हैं, चाहे वो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लें, या व्यक्तियों के आने जाने के रूप में लें, या कंपनियों के आने जाने के रूप में लें। बिल्कुल, लेकिन लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही मैं कहूंगा दर्पण, कि उस क्राइसिस से जो डिप्रेशन आया था 1920s में, 1929 में, उसका एक लेसन था, उस लेसन को वो हम बजट से अब लिंक करना चाह रहे हैं। वो ये है कि सरकारों को बजट जो है वो आम लोगों की जरूरतों के लिए, खासकर उनकी रोजगार के लिए एड्रेस करना होगा। और यदि ग्लोबलाइजेशन इस तरह से हो और उसमें सरकारें ये काम करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा आम व्यक्ति की जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है, और ग्लोबली जो है इंडियन इकोनॉमी या इंडिया कनेक्टेड भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपकी ये विशेषता रही है कि आप इतिहास को भी, इकोनॉमिक इतिहास को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से जोड़ के देखते हैं। इतिहास बताया मैंने, और लेकिन आपने उससे कहा कि लेसन क्या लर्न कर सकते हैं, तो वो लेसन मेरे ख्याल से उम्मीद है कि कभी कभी अगर हमारे जो देश के भाग्य विधाताओं की नजर अगर कभी पड़े खर्चा पानी में, तो वो जरूर वो लेसन देखें और कम से कम उनको भी अपनी नीति निर्माण में इंकॉर्पोरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए।